स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए यहाँ पे लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे से वीडियोस हम बनाते रहते हैं और अच्छे स्टॉक्स के बारे में अच्छा बताते हैं, बुरे स्टॉक्स उनकी सारी कमियाँ निकाल के रख देते हैं, जिससे आप हमेशा सावधान रहें कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे स्टॉक्स हैं, भेद कर सकें और अपना अच्छा पैसा, बेशकीमती पैसा इन्वेस्ट कर सकें। आइए हम आज जिस स्टॉक की बात करेंगे, बहुत ही दिग्गज कंपनी है और मैं तो यही कहूँगा कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो कि भैया मेरे को 15-20 साल बाद मुझे रिटायरमेंट में मुझे बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब मैं आज़ाद हो जाऊँ, मुझे पैसे की टेंशन ना रहे। तो अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस कमाई का कुछ पैसा, कुछ प्रॉफिट आप इन स्टॉक्स में डालते रहिए। तो एक स्टॉक हम ऐसा बताने जा रहे हैं दिग्गज कंपनी के, जिसमें आप बेफिक्र होकर, निडर होकर आप पैसा डालिए, आपके पैसे ना डूबने का कोई खतरा नहीं, प्लस आपको बोनस, डिविडेंड, ये सब सारी चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम खर्चे पाने के लिए हर साल। तो हर साल डिविडेंड तो 4 बार देती है, आइए हम दिखाएंगे पूरा डेटा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं उस स्टॉक की ओर, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS। अब देखिए, BSE में 22 मार्च को जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, 22 मार्च 2019 को 2004 रुपये 65 पैसे पे इसका लास्ट ट्रेडिंग क्लोजिंग था और इसका लो 52 वीक लो था 1390 रुपये 78 पैसे और हाई बनाया था इसने साल का 2275 रुपये 95 पैसे। और ये देखिए सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं 82% की बाई इट, 18% कह रहे हैं होल्ड और सेलर्स कोई भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि भैया स्टॉक को बेच दो। मार्केट कैपिटल है 7,52,221 करोड़ की, ज़बरदस्त। EPS है, अर्निंग पर शेयर है, जो आप एक शेयर खरीदेंगे उस पर 80 रुपये 62 पैसे तो कमाई है। पी है 24 की और बुक वैल्यू है 227 रुपये 92 पैसे की, प्राइस टू बुक है 8.8%। और डिविडेंड देखिए 5000% का देती है और डिविडेंड यील्ड है 2.49। इंडस्ट्री पी है 23.84 की और डिलीवरेबल है 100%। तो पहले मैं बताऊंगा कि ये डिविडेंड कितना देती है। और देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, हर साल चाहे 2015 हो कि 4 बार, 2016 में भी 4 बार दिया इसने, 2017 में भी 4 बार दिया, 2018 में 5 दिखा रहा, लेकिन ये 31 दिसंबर है तो उसको हम लोग जनवरी में काउंट करें, क्योंकि आपको एक तोहफा दिया इन्होंने नए साल में ही, डिविडेंड दे दिया कि भैया जाओ एंजॉय करो नया साल। देखिए 2018 में यहाँ पे दिया था इसने 22/1/18 को जनवरी में दिया, फिर इसने जो है मई में दिया, फिर जुलाई में दिया और फिर यहाँ पे अक्टूबर में दिया। तो 4 रुपये पर शेयर यहाँ पे 29 रुपये पर शेयर और जो इंट्रीम फर्स्ट डिविडेंड था उस थर्ड उस 7 रुपये पर शेयर। तो साल में 4 बार तो ये डिविडेंड देती है और इस साल भी जनवरी को दे चुकी है, देखिए 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो जो ये टैक्स फ्री डिविडेंड आपके सीधे खाते में आता है, ये कंपनी साल में 4 दफ़े देती है। और देखिए बोनस अभी रिसेंटली इसने 19/4/2018 को एक पे एक, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो 200 हो गए, 500 थे तो 1000 हो गए, एक था तो 2 शेयर हो गया, तो उसी हिसाब से फिर आपको डिविडेंड भी मिलता है, जितने शेयर्स हो उसके हिसाब से फिर काउंट कर लीजिए। और तो बेहतरीन कंपनी, हम बढ़ते हैं आगे इसके, और देखिए क्वालिटी है एक्सेलेंट कंपनी की है। सेल्स ग्रोथ है 12.88% की, EBIT ग्रोथ है 11.07% की और नेट डेट इक्विटी है नेगेटिव डेट। तो और डिविडेंड पे आउट ऑब्वियसली है ही। इसका ROCE है 72.96% की, ROE है इसका 36.67 के, ज़बरदस्त है। वैल्यूएशन देखिए वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि देखिए अच्छी कंपनी के अगर थोड़े से महंगे शेयर भी मिल रहे हों तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए लंबा होना चाहिए, मतलब आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, आप बेटी की शादी के लिए सोच रहे हैं, आप बेटे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं 15-20 साल 25 साल, तो ये 100 रुपये 200 रुपये स्टॉक प्राइस के मायने नहीं रखता अच्छी कंपनी का। अब देखिए एक एग्जांपल मैं जैसे देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका बेटा पढ़ लिख लिया, आप चाहेंगे कि यार टाटा कंसल्टेंसी जैसी IT सेक्टर की कंपनी में ज़बरदस्त मेरे बेटे को कोई जॉब मिल जाए, लेकिन क्या आप, अगर आपसे कोई कहे कि भैया आपने क्या TCS के शेयर्स लिए थे,
तो आप कहोगे अरे यार शेयर्स ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए कंपनी, मेरा शेयर कहीं प्राइस डाउन ना हो जाए। आपको उस उधर तो भरोसा नहीं होगा, लेकिन आप बेटे को ज़रूर नौकरी करवाना चाहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से वैल्यूएशन भी थोड़ा सा मैटर नहीं करता बड़ी कंपनियों के, कुछ कंपनियों के। अब देखिए आपको इतने सस्ते मिलेगा अभी तो नहीं, बहुत अगर सेंसेक्स में गिरावट आई तो कुछ परसेंट ही टूटते हैं ये दिग्गज, है ना। तो मैटर नहीं करता, थोड़े से महंगा ही मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए लेंगे तो आपको हर साल डिविडेंड पे कमाते रहेंगे, और कुछ सालों बाद जब और प्रॉफिट होता है कंपनी को तो बोनस भी देती है, तो आपके शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है, स्कोर 15 है यहाँ पे, रिटर्न भी दिखा देते हैं हम। 10 सालों में 1473%, मतलब करीब 1500% आपके पैसे को 15 गुना कर दिया इसने 10 सालों में जिन्होंने पैसे डाले थे, अच्छी बात है। 5 सालों में 88%, 4 सालों में 53%, 3 ईयर्स में 62%, 2 सालों में 61%, 1 ईयर में 41%, ईयर टिल डेट जनवरी से 5.95%, 6 मंथ में 4% के नेगेटिव है, 3 मंथ्स में 5% की अपसाइड है, 1 मंथ में 4% के अपसाइड है, और 1 वीक में डाउनसाइड है 1% के करीब, 0.2% के करीब, और 1 डे में 0.47 की डाउनसाइड है। अब देखिए नेट सेल्स में यहाँ पे जो 1.13% की गिरा वो बढ़ा था, सॉरी सितंबर में इनका 36,854 करोड़ का नेट सेल्स हुई थी, और दिसंबर 18 में 37,338 की थोड़ा बढ़ा था यहाँ पे 1.5% करीब। और नेट प्रॉफिट में यहाँ से 1.90% की डाउन साइड है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ा था 2.58% की, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी जो है गिरावट है, कोई बात नहीं। देखिए प्रमोटर के पास 72% की ज़बरदस्त होल्डिंग है इनके पास, और गिरवी शेयर थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कम, मतलब ये नथिंग, इनका तो शौक है बड़े लोगों को थोड़ा सा गिरवी रख के चलिए ठीक है रख देते हैं, 2.94% की जब इतनी बड़ी प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें थोड़े से गिरवी रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स की 38 स्कीम्स हैं और FIIs की 1289, मतलब 15.8% की होल्डिंग है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जिनकी आप पॉलिसी लेते हैं वो देखिए इसमें अच्छे कंपनी में पैसे लगा रखी है। इंडिविजुअल्स हैं 3.75%। तो अभी आपको हमने दोस्तों मोटा मोटी बताया कि क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स आपको रखने चाहिए, भले ही आप महीने में एक ले लें, दो ले लें, जितनी आपकी क्षमता, जितना आप पैसा अपने सैलरी से प्रॉफिट में बचा सकें, जितना आप पॉकेट मनी बचा सकें, लेते रहिए लेते रहिए, ये हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देंगी लंबे समय में, और डिविडेंड बोनस भी देती हैं। टाटा कंसल्टी सर्विसेज इन IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर TCS ऑफर्स अ सॉल्यूशन कंसल्टिंग LED इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज डिलीवर थ्रू इट्स यूनिक ग्लोबल नेटवर्क डिलीवरी मॉडल रिकॉग्नाइज्ड एज द बेंचमार्क ऑफ एक्सलेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड वाइड ये काम करती है और बहुत ही अच्छी IT की कंपनी है, सबने सुना होगा। 19 जनवरी 1995 से ये काम कर रही, टाटा हाउस है, IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और आप देखिए लास्ट टाइम डिविडेंड तो हम दिखाई चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया स्टॉक है और ज़रूर आपको लेना चाहिए, कुछ कुछ स्टॉक्स लीजिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा करें कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।